नमस्ते फ्रेंड, मैं सरिता आप सबका स्वागत करती हूँ अपने गार्डन में। और आज की वीडियो की शुरुआत करती हूँ सुंदर से ब्लीडिंग हार्ट फ्लावर के साथ। तो आइए देखते हैं आज की मेरी वीडियो किसके ऊपर है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे इन प्लांट पर बहुत अच्छी कलियाँ आ रही हैं और हज़ारों की मात्रा में आ रही हैं। तो कुछ ऐसे गुलदावरी ये प्लांट होते हैं जिन पर कलियाँ नहीं आ रही हैं, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो कुछ बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात तो ये होती है कि जो भी आपके गुलदावरी प्लांट हैं, जब हम कटिंग लगाते हैं तो थोड़ी आगे पीछे कटिंग लग जाती है। तो इसका रीज़न भी होता है कि जो पहले हम कटिंग लगाते हैं उसमें पहले आ जाती है बड्स, और जो थोड़ी देर से लगाते हैं तो उस पर थोड़ी देर से भी कलियां आती हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्लांट की ग्रोथ होती जा रही है लेकिन कलियां नहीं आ रही हैं, तो इसका एक रीज़न होता है कि प्लांट की वैरायटी पे भी डिपेंड करता है। और अगर आप हर तरह से अपने प्लांट को अच्छा केयर करते हैं, अच्छा फर्टिलाइज़र देते हैं, फिर भी कलियाँ नहीं आ रही हैं, तो उसके लिए आप एक काम करिए कि इसको फुल सनलाइट में रखिए। जितनी भी आपके गुलदावरी प्लांट हैं उन सभी को 5-6 घंटे की धूप ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि ये एक हैवी फीडर है और इसको फुल सनलाइट में जब हम रखेंगे तभी इस पर बहुत अच्छी कलियां आएंगी और प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होएगी। और फ्रेंड, जैसे जैसे सूरज की तरफ जब आप करते हैं तो देखिए इसका झुकाव इस तरफ ज़्यादा है। तो जब आपको लगे कि इस साइड कलियां ज़्यादा बन गई हैं तो आप अपने प्लांट को इस तरह से घुमाते रहिए, तो ये होगा कि आपका प्लांट पूरा गुलाई में बन जाएगा और पूरा अच्छी तरह से इसमें कलियां आएंगी। नहीं तो आपका प्लांट इस तरह से एक तरफ से झुका हुआ रहेगा, देखिए इस तरह से, क्योंकि ये ज़्यादा सनलाइट की तरफ था और इधर का हिस्सा नहीं था तो इस तरफ नहीं आई हैं कलियां, तो इसलिए मैं इसको ऐसे करके रखी हूँ कि ताकि इधर भी कलियां बने। अब दूसरी बात करते हैं हम ये गमले के साइज़ पर कि इसका पॉट साइज़ क्या होना चाहिए। तो इसके लिए हम 8-10 इंच का पॉट ज़रूर लेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है गुलदावरी प्लांट के लिए और इसमें प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। तो 8-10 इंच का पॉट होना चाहिए। और आगे हम बात करेंगे कि सोइल मीडिया पर, सोइल मीडिया बिल्कुल इसकी वेल्ड्रन होनी चाहिए, पानी नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो पानी अगर रुकेगा तो इससे सड़न गलन हो सकती है नमी के कारण, तो आपका प्लांट भी ख़राब हो सकता है। तो सोइल मीडिया जब भी बनाएं एकदम वेल्ड्रन रिच होनी चाहिए, एक भाग मिट्टी, एक भाग कंपोस्ट और एक भाग सेंड होनी चाहिए, और इसमें थोड़ा सा नीम खली ज़रूर मिलाइए ताकि आपके प्लांट में फंगस ना लगे। तो सोइल मीडिया बिल्कुल वेल ड्रेन होनी चाहिए और ड्रेनेज सिस्टम का भी अच्छा ध्यान रखिए कि पानी होल्ड ना हो आपके प्लांटर में। अब दूसरी बात करते हैं हम पिंचिंग की। प्लांट पर पिंचिंग बहुत ज़रूरी होती है। जब पिंचिंग का टाइम रहता है गुलदावरी प्लांट लगाने के बाद, हमें अपने प्लांट पर ज़रूर पिंचिंग करनी चाहिए। देखिए जितनी पिंचिंग करेंगे हम उतना ही हमारा प्लांट बुशी होएगा और ज़्यादा स्टेम आएंगे उसमें, और जितने स्टेम रहेंगे उस पर उतनी ही कलियां आएंगी और उतने ही फूल खिलेंगे। तो पिंचिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस समय आप पिंचिंग मत करिएगा क्योंकि ये टाइम नहीं है पिंचिंग का। जब पिंचिंग का टाइम रहता है तभी ये काम करना चाहिए। अब बात करें कि हमें अपने प्लांट पर ऐसा फर्टिलाइज़र देना चाहिए जिससे कि हमारे प्लांट पर कलियां आए और फूल खिले, तो ऐसे में हमें ऑर्गेनिक मैं फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को देती हूं, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक रूप से ही अपना गार्डनिंग करती हूं, इसीलिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के बारे में ही बात करूंगी। तो देखिए फ्रेंड, ये है मेरा फर्टिलाइज़र जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है और मैं यही सब अपने प्लांट पर इस्तेमाल करती हूँ। तो ये है वर्मी कंपोस्ट और ये है बनाना पिल्स का मैं सुखा करके ग्रेट करी हूँ, और ये है मस्टर्ड केक, और ये है थोड़ा सा हल्दी फंगस के लिए, और ये है मेरा किचन वेस्ट से जो मैं फर्टिलाइज़र बनाती हूँ वो है कंपोस्ट जो तैयार करती हूँ, जिसमें सब्जियों के फलों के सभी छिलके होते हैं तो वो सब है, तो इन सब का मैं मिश्रण बना लूँगी। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने ये मिक्स कर ली हूँ अपना फर्टिलाइज़र और इसको मैं अपने प्लांट में डालूँगी। तो किसी भी प्लांट में जब हम फर्टिलाइज़र डालते हैं तो उससे पहले हमें प्लांट की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब हम गुड़ाई करते हैं तो इसकी मिट्टी बहुत भुरभुरी हो जाती है और इसमें हवा का संचार अंदर तक होता है और
पूरी जो ये कठोर मिट्टी हो जाती है पानी डालते डालते तो थोड़ी नरम हो जाएगी, और इससे गुड़ाई करने से थोड़ा इसका उपजाऊपन भी बढ़ जाता है। और जब भी हम इसमें फर्टिलाइज़र डालते हैं तो वो प्लांट की जड़ों को बहुत आसानी से मिल जाता है, तो गुड़ाई करने के बहुत फ़ायदे हैं। तो इसलिए आप गुड़ाई ज़रूर करिए, और गुड़ाई करके ही कोई भी फर्टिलाइज़र दीजिए। तो इन सब में मैं पहले ही गुड़ाई कर चुकी हूँ, और अपने प्लांट के हिसाब से हम इसमें एक एक दो दो मुट्ठी के हिसाब से अपने प्लांट के हिसाब से ही डालेंगे। अगर हमारा प्लांट छोटा है बड़ा उसी हिसाब से हम उसमें फर्टिलाइज़र डालेंगे, और जो भी इस तरह की घास वगैरह है वो सब निकाल लीजिए। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। और एक काम और बताती हूँ मैं, तो इसमें जो बनाना पील्स होता है वो पोटेशियम का बहुत अच्छा स्रोत होता है, जो हमारे प्लांट पर कलियां और फूल आने के लिए इंक्रेज करता है। और जो वर्मी कंपोज होता है वो प्लांट की स्टेम हेल्थ और जो पत्तियां होती हैं वो लस ग्रीन बनाता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पत्तियां भोजन बनाती है तभी हमारा प्लांट भी हेल्दी होता है। और सरसों की खली तो इसके लिए बेस्ट है, और बहुत ही उसमें पोषक तत्व हैं जो हर तरह से बेस्ट ऑप्शन होता है हमारे सभी प्लांट के लिए। और हल्दी डालते हैं ताकि मिट्टी में जो भी फंगस हो वो सब ख़त्म हो जाए, तो इसीलिए हल्दी का उपयोग करते हैं। और जो मेरा किचन वेस्ट वाला था वो फर्टिलाइज़र, उसमें सभी तरह के पोषक तत्व होते हैं, उसमें अनियंस पटेटो और बनाना पील्स फ्रूट और भी अन्य तरह के जो भी किचन वेस्ट के से जो छिलके निकलते हैं उन सब से जो फर्टिलाइज़र बनता है बहुत बेस्ट होता है, जो हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। तो अगर हम उसका उपयोग करते हैं तो हमारे प्लांट पर कलियां आनी शुरू हो जाती है, तो वो भी बहुत वेस्ट है। और अगर आपके पास नीम खली हो तो वो भी ज़रूर डालिए, मेरे पास नहीं थी इसलिए मैं इस्तेमाल नहीं कर पाई। और एक काम और कर सकते हैं कि आप फोलियर स्प्रे कर सकते हैं होममेड। तो ये देखिए, ये मेरा नींबू का बना हुआ बायो एंजाइम है, तो इसको मैं एक लीटर पानी में एक ढक्कन मिलाऊंगी 5 ml के करीब। तो मैं पहले से ही मिलाकर रख ली हूँ, देखिए पानी का कलर भी चेंज हो गया है। और इसको हम अपने प्लांट पर स्प्रे कर लेंगे, और इससे क्या होता है कि जब हम स्प्रे करते हैं ना तो इसमें बहुत सारी कलियाँ आती हैं, और जो भी इंसेक्ट वगैरह होते हैं वो भी सब ख़त्म हो जाते हैं। तो जो नींबू का हम फोलिया स्प्रे करते हैं ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक होता है, और हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है, और कोई भी हार्मफुल रिजल्ट नहीं होता है। और आप यकीन मानिए, जब हम इसका उपयोग करेंगे तो इसमें बहुत अच्छी मात्रा में कलियां आएंगी, और मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और देखिए, अभी आप ऑर्गेनिक तरह से फोलियर स्प्रे करते हैं, अगर आप इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो आप इस जो भी इनऑर्गेनिक फोलियर स्प्रे होता है उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन जो ये नींबू का होता है जो हम होममेड बनाते हैं, इसका अगर हम स्प्रे करते हैं अपने प्लांट पर तो ये फ्रूटिंग प्लांट और फ्लावरिंग प्लांट और वेजिटेबल प्लांट सबके लिए बहुत हेल्दी होता है, अच्छी मात्रा में कलियां आती हैं और फल फूल बहुत अच्छे मात्रा में लगते हैं, और जो भी इंसेक्ट वगैरह रहेंगे वो सब गिर जाएंगे। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। और आप सिनेमन पाउडर का भी फोलियर स्प्रे कर सकते हैं और एलोवेरा का भी। तो इस तरह से अगर आप अपने गुलदावरी प्लांट की केयर करते हैं तो यकीन मानिए आपके सभी प्लांट पर बहुत हेल्दी और बहुत ही अच्छी मात्रा में कलियां आएंगी, और फूल जब खिलेगा तो बड़े साइज़ का होएगा और कलर भी बहुत अच्छा आएगा। तो ये मेरी आज की वीडियो इतनी ही है, तो आज की वीडियो बस इतनी ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड। नमस्ते।